अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन गहना चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे अंडा और आलू की करी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और 5 अंडे जिन्हें मैंने उबाल लिया है, और आलूओं को मैंने छीलकर और धोकर रख लिया है। और इस जो मैंने यहाँ पर फोर्क रखा हुआ है, इससे हमें इन आलू और एग्स को फोर्क करना है। देखिए किस तरह से करना है। पहले पूरा आलू ले लेंगे और उसके बाद उसमें इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा फोक के हेल्प से उसमें छेद बनाते चले जाएंगे चारों तरफ, और इसी तरह से हम इसको पतला पतला काटेंगे। फिर देखिए ऐसे एक आलू के दो हिस्से किए, फिर दो हिस्सों में से हम मैंने उसके तीन हिस्से कर दिए। तरफ से उसको घुमाते हुए ऐसे ही मैं सारे आलू कर लेती हूँ और कट करके रख लेती हूँ, और ऐसे ही मैं सारे एग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आलूओं को काट चुकी हूँ फोक करके, और अब ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं यहाँ पर, जिन्हें मैंने मोटा मोटा चॉप कर लेना है। गैस पर मैंने हाई फ्लेम पर मस्टर्ड ऑयल रख दिया है, सरसों का तेल लिया है मैंने यहाँ, और इसमें हमने आलू और अंडे अपने फ्राई करने हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब मैं आँच को स्लो कर दूँगी, और स्लो आँच पर हम तेज़ गर्म तेल में अपने आलू फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं तेल में यहाँ पर ये नमक पड़ा हुआ है, इससे जब फ्राइंग का जो प्रोसेस होता है उसमें तेल कम लगता है। तो आलू मेरे तेल नहीं पिएंगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट तेल में डाल दिया था। तो जो आधे आलू हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और अब यहाँ इस स्टेज पर मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी, क्योंकि तेल का टेम्परेचर कम हो चुका है। टेम्परेचर जो था वो आलू की वजह से कम हो गया है। तो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने तलना है, और अभी नहीं निकाल रही हूँ, थोड़ा और इसको फ्राई करूँगी, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। जब तक पलटते पलटते हुए मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो सारे आलू को मैंने दो बैचेस में फ्राई कर लिया है, और अब यहाँ पर मैं एग्स डाल दूँगी। एग्स को भी हमने ऐसे ही गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है अच्छे से। ख्याल रहे, छींटे उड़ती हैं तेल की तो आप तक ना पहुँचे, बी केयरफुल। पलटते हुए घुमाते हुए मैं सारे अंडे फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन, और इनको फ्राई करने के बाद में इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। फ्राई करने से ये होता है कि जो अंडा होता है और जो आलू होता है उसका टेस्ट ग्रेवी में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं अंडे और आलू फ्राई कर चुकी हूँ, देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है दोनों चीज़ों का। और अब ये 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट है, और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, और प्याज मैंने मोटी मोटी चॉप कर ली है। अब इस पेस्ट में मैं अपने बाकी के मसाले ऐड कर रही हूँ, जो कि है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और आधा टीस्पून लाल मिर्च है पिसी हुई, 1/4 यानी कि चौथाई चम्मच हल्दी है, और इसमें नमक ऐड करूँगी मैं। अब यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। मसालों का ख़ास ख्याल रखें कि धनिया ज़्यादा पाउडर ज़्यादा हो जाता है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है सालन का। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला लिया था 2-3 चुटकी, और 2 चम्मच मैंने कर्ड लिया, और 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो मैंने चॉप कर लिया। अब सेम तेल जिसमें हमने अपने अंडे और आलू फ्राई किए थे वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तकरीबन 1 कप तेल मैंने ले लिया है, और इसमें मैंने अपनी प्याज़ें ऐड कर ली हैं। अब हल्का सा सॉटे करेंगे प्याज़ों को, और उसके बाद बस इनको ब्राउन नहीं करना है, और बस गुलाबी ही प्याज रहेगी तभी हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। ये देखें 1 से आधा मिनट हुआ होगा मुझे तेल में प्याज डाले हुए, और अब मैं इसमें अपने सारे मसालों को ऐड कर दूंगी। पहले मैं दही और टोमेटो डाल के हल्का सा चलाऊँगी, और उसके बाद मैं अपने बाकी मसाले इसमें डालूंगी। ये देखिए दही और टमाटर डाल चुकी हूँ मैं, और अब मैं पानी के साथ इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालेंगे और भूनते चले जाएंगे, हल्का हल्का पानी डालकर। थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसे भून लिया है,
और टमाटर के गल जाने तक हमने इसे भूनते रहना है और पकाते रहना है। खुशबू तो इसमें आने लगी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, भुनने लगे हैं मसाले। और पानी फिर मैं थोड़ा सा डाल करके इसे भूनूंगी और उसके बाद इसमें मैं अपने आलू और अंडे डाल दूंगी। अब इस स्टेज पर मैं इसमें भुन चुका है, ये बिल्कुल मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें अंडे और आलू अपने ऐड कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। अभी इतना पानी हमने डालना है कि आलू गल जाए, तलने में आलू पूरी तरह से नहीं गले हैं तो पूरी तरह से आलू गल जाए तब तक हम इसे ढककर पकाएंगे। और उसके बाद ये देखिए 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब मैं इसमें धनिया डाल दूंगी और आलू के गलने तक इसको पका लिया मैंने। और ये देखिए यहाँ पर मैं सर्व कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे मज़े के बने थे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।